Alright guys, special announcement for those who really wants to do something in tournament, okay? अब आते हैं guys special announcement के बारे में. तो बहुत ही जल्दी हम लोग अभी क्या कहते हैं एक Hydra Elites को होस्ट करने वाले हैं. बहुत ही जल्दी Hydra Elites दोबारा से guys start होने जा रहा है. So be ready. अब मेरा plan ऐसा है कि हम लोग क्या कहते हैं Hydra Elites में सारे स्ट्रीमर्स को भी इनवाइट करेंगे, जितने भी स्ट्रीमर्स खेलते हैं, ठीक है, उनको भी इनवाइट करेंगे. स्पेशली मोबाइल के लिए होगा तो अच्छी बात है, बाकी इम्यूलेटर वाला मुझे लगता नहीं कि होना चाहिए या होगा, बट अगर कुछ और प्लान्स होंगे तो दैट आई डोंट नो. रही बात क्या कहते हैं स्ट्रीमर्स की, डेफिनेटली उनको स्ट्रीमर्स को इन्वाइट मिलेगा. स्ट्रीमर्स अपनी टीम लेके आ सकते, जितने भी स्ट्रीमर्स हैं चाहे वो लाइक कौन से भी लेवल पे हो, लाइक चाहे वो 100K हो, चाहे वो 1 मिलियन हो, चाहे वो 10 मिलियन हो, चाहे वो लाइक 50 मिलियन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. सबको इनविटेशन है, बिंदास आइए खेलिए. 10K वाले, 20K वाले, 1K वाले सब खेल सकते हैं Hydra Elites में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. लेकिन ये जो कोई भी खेल सकते हैं ना, ये सिर्फ एक या दो दिन का वो रहेगा. लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग कर रहे हैं स्ट्रीमर्स जिनको जो इनविटेशन बंदे जो है, ठीक है, जिनको इनवाइट किया गया खेलने के लिए एलीट्स में, वो लोग खेल रहे हैं, ठीक है. अब सैटरडे संडे क्या होगा ना कि T2, T3, T4, T5, T10, T19, T99, T69 जितने भी प्लेयर्स हैं जिनको मौका चाहिए खेलने का, इम्प्रूव करने का, प्रैक्टिस करने का, वो सब भी खेल सकते हैं. तो ओपन लॉबी बनेगी, बिंदास आओ. उस लॉबी में से जो बंदे अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो बंदे आगे बढ़ जाएंगे, उनको मौका मिलेगा अगेन मंडे टू फ्राइडे के स्लॉट में खेलने का. ऐसा मेरा प्लान है, प्लान एज इन ऐसा मैंने सोचा है. अब इसको और इम्प्रोवाइज करेंगे और अच्छा कुछ करेंगे, कुछ और अच्छा सोचेंगे एंड देखते हैं एलीट्स कैसा जाता है, ठीक है. सो ये एक सीन है. सो या अभी जो लोग कह रहे थे ना कि भाई हमें मौका नहीं मिलता प्रैक्टिस करने के लिए, टूर्नामेंट खेलने के लिए, क्या नहीं होता क्या नहीं होता, तो भाई अब मौका मिल रहा है. अपनी टीम बनाओ अगर टीम नहीं है तो, और अगर ऑलरेडी टीम है, ऑलरेडी ग्राइंड चल रहा है, तो बस एलीट्स खेलने आओ. एक अच्छा वो वहाँ पे हम कास्टर बिठा देंगे, उसकी स्ट्रीम भी चालू रहेगी हमेशा, तो एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी गेम दिखाने के लिए, खेलने के लिए, है ना. और अगर अच्छा खेलोगे तो अगेन मंडे टू फ्राइडे के स्लॉट में बढ़ोगे आप खेलने के लिए, वहाँ पे आप इनविटेशन प्लेयर्स के साथ आप खेल पाओगे, उनको फिर धोना अच्छे से मारना उनको भी, और फिर मज़े ही मज़े है कि नहीं. इसमें प्राइस पूल भी हो सकता है. अब वो प्राइस पूल कैसे होगा, क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिगर आउट करेंगे एंड देन एक अच्छे अनाउंसमेंट करके उसको स्टार्ट कर देंगे. सो बेसिकली ये ऐसा है गाइज, इसको प्रॉपरली हम T1 रेस्ट्रिक्टेड नहीं रख रहे हैं. ऐसा नहीं कि लाइक जैसे बाकी कैसे कस्टम्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं, वैसा नहीं है. इट्स काइंड ऑफ क्या कहते हैं फन सारे स्ट्रीमर्स के लिए, स्ट्रीमर्स फ्रेंडली एंड उनके जो सब्सक्राइबर्स है या फिर जो बाकी जो प्लेयर्स है जो और अच्छा खेलते हैं या और अच्छा खेलना चाहते हैं, या कुछ ऐसे प्लेयर्स भी जो कस्टम नहीं सॉरी पेड लॉबी खेलते हैं मेरे ख्याल से, तो लाइक कोई भी खेल सकता है, कोई सीट नहीं है. बिंदास आओ खेलो, मजे करो, अपना अपना गेम प्ले दिखाओ और आगे बढ़ते रहो, बस ये लॉजिक है इसके पीछे. अब इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है ये आप लोग को पता है, नहीं पता है तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा. तो गाइस सबके सब सब्सक्राइब बटन दबा दो इसी अच्छी से अनाउंसमेंट के बाद एंड लाइक जरूर कर...